मित्रों, पति पत्नी का एकमात्र ऐसा रिश्ता है जिसमें दंपति के बीच कुछ छिपा नहीं होता। दोनों ही अपने जीवन में हो रहे सुख दुख, पीड़ा, हर्षोल्लास को एक दूसरे से बांटते हैं। परंतु पति पत्नी के बीच कुछ ऐसी बातें होती हैं जो पति को अपनी पत्नी से नहीं बताना चाहिए। जी हाँ, कुछ ऐसी बातें होती हैं, आइए जानते हैं। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। ये सारी बातें आचार्य चाणक्य ने अपने ग्रंथ नीति शास्त्र में बताई हैं, जिसमें उन्होंने मनुष्य के जीवन से जुड़े व्यवहारिक ज्ञान को समझाने का प्रयत्न किया है। इस नीति शास्त्र में धन, तरक्की, विवाह, मित्रता, दुश्मनी और व्यापार आदि से संबंधित समस्याओं का हल बताया गया है। उनके द्वारा दिया गया ज्ञान आज भी हमारी जिंदगी में उतना ही लाभदायक और प्रासंगिक है जितना कि उस समय था। बता दें कि चाणक्य के अनुसार कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें पत्नी को नहीं बताना चाहिए। कमजोरी। चाणक्य द्वारा नीति में कहा गया है कि पति को कभी अपनी पत्नी को कोई भी कमजोरी नहीं बतानी चाहिए। आचार्य चाणक्य के अनुसार पत्नी को अगर पति की कमजोरी का पता चल जाए तो वह बात बात में उसी को लेकर बोलेगी और अपनी जिद को मनवा लेती है। इसलिए कहा जाता है कि पुरुषों को अपनी कमजोरी सदैव पत्नी से छिपा कर रखनी चाहिए। अपमान। इस नीति शास्त्र में यह बताया गया है कि पुरुषों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि यदि कभी किसी ने आपका अपमान या परिहास किया हो तो इस बारे में भूल कर भी अपनी पत्नी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि पत्नियों के बारे में ऐसा माना जाता है कि कभी आगे चलकर जीवन में पति से किसी बात पर कहा सुनी हो जाए या कोई बुरा समय आने पर वह पति को उस अपमान की बात याद दिलाकर उसे उल्टा सीधा बोल सकती है। दान। वैसे तो चाणक्य द्वारा शास्त्रों में ऐसा बताया गया कि अगर आप दान करते हैं तो वह इतना गुप्त होना चाहिए कि दाएं हाथ से करते हैं तो बाएं हाथ को भी इसकी खबर नहीं होनी चाहिए। इसी तरह जब आप दान करें या फिर किसी की आर्थिक तौर से मदद करें तो इसके बारे में भी अपनी धर्मपत्नी को बिल्कुल भी ना बताएं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि भविष्य में या आगे आने वाले समय में वह आपको ऐसा करने से रोक सकती है। कमाई। आचार्य चाणक्य का मानना है कि कभी भी किसी पति को अपनी पत्नी को कमाई के बारे में नहीं बताना चाहिए। उनका ऐसा मानना था कि महिलाओं को यदि अपने पति की कमाई के बारे में पता चल जाता है तो वह उन्हें उसे खर्च करने पर रोक लगाने लगती हैं। कई बार तो वह उनको जरूरी खर्चों के लिए भी रोक सकती हैं। बता दें, अक्सर ऐसा होता है कि पति पत्नी की शादी को ज्यादा समय बीत जाने पर उनके रिश्ते में नकारात्मक बातें जगह लेने लगती हैं। ऐसे में हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिनसे पति पत्नी के बीच कभी भी दरार नहीं आएगी। पहली, एक दूसरे को समझ ना पाना। पति पत्नी के रिश्ते में जो सबसे ज्यादा गलतफहमी और लड़ाइयों को न्योता देती है वह ये है कि एक दूसरे को ना समझ पाना। आपके जीवन में क्या हो रहा है और क्या नहीं, इसे अपने साथी को जरूर बताएं। यदि आपको आपके साथी से जुड़ी कोई भी बात दिक्कत कर रही है तो उसे छिपाने की जगह बता दें। जब दंपत्ति आपस में सारी बातें एक दूसरे को बताते हैं तो कोई दोनों के बीच अगर आग लगाने की कोशिश भी करे तब भी उनके रिश्ते में कोई गलतफहमी किसी भी तरह से नहीं हो सकेगी। यह दोनों के रिश्ते को मजबूती देने में काफी सहायता करता है। प्रेम जाहिर करना। मित्रों, शादीशुदा दंपति की सबसे बड़ी कमी यह होती है कि वह प्यार और लगाव को कम जाहिर कर पाता है, क्योंकि उनका मानना होता है कि विवाह के इतने साल बाद भला इसकी क्या जरूरत है। परंतु सच तो यह है कि जब प्रेम जाहिर ही नहीं होगा तो संबंध में प्रेम की मिठास कैसे बची रह जाएगी। तो आप अपना प्रेम कई तरह से जाहिर कर सकते हैं। गुस्से पर काबू पाना चाहिए। यदि कभी आप दोनों के बीच किसी बात पर बहस हो रही है तो गुस्से पर जरूर काबू करने की कोशिश करें और जरूरत से ज्यादा कुछ भी ना बोल दें। गुस्से में मनुष्य वो चीजें भी बोल देता है जो आपके रिश्ते को हमेशा के लिए बर्बाद कर सकती हैं। तो इससे अच्छा यही है कि खुद को शांत करें और उसके बाद उस मुद्दे पर बात करें। जब आप धैर्य रखेंगे तभी आपको अपने साथी से कही हुई बातें बेहतर तरीके से समझ आएंगी। इसके साथ आप दोनों को ही झगड़े को खत्म करने का समाधान मिल जाएगा। विश्वास करना। ये तो सभी को पता है कि किसी भी संबंध की नींव को मजबूत करने के लिए एक दूसरे पर विश्वास या भरोसा रखना जरूरी है। यदि आपका जरा सा भी विश्वास हिला तो समझ लीजिए कि आपके संबंध में ऊंच नीच की गाड़ी नीचे की ओर जाना शुरू हो गई, क्योंकि इस तरह के संबंध में प्रेम से ज्यादा संदेह घर बना लेता है, जिससे प्रत्येक दिन लड़ाई होना आम बात हो जाती है। वहीं अगर झगड़े ना भी हो तो भी पति पत्नी का ऐसे माहौल में एक साथ खुश रहना असंभव हो जाता है। सम्मान। किसी भी संबंध में प्रेम अपनी जगह है और सम्मान अपनी जगह होता है। ऐसा कई बार होता है जब दंपत्ति अपनी सीमाएं पार कर जाते हैं जो दूसरे के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा सकती हैं। ऐसा होना उन्हें बुरी तरह दुख देता है और ऐसे हालात में धीरे धीरे उनके मन में कड़वाहट बढ़ने लग जाती है,
जिससे उनका संबंध बिगड़ना निश्चित है। पति पत्नी को एक दूसरे के साथ ही दोनों के परिजनों का भी सम्मान करना बेहद जरूरी होता है। दंपति को भले ही एक दूसरे का परिवार पसंद ना हो, किंतु उनका सम्मान करना किसी भी हाल में नहीं छोड़ना चाहिए। तो मित्रों, आपने जानी पति पत्नी के वैवाहिक जीवन से जुड़ी कुछ बातें। अगर आपको पहले से किसी बात की जानकारी थी तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो के जरिए आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दें इजाजत। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, अब आप हमारे सभी वीडियो फेसबुक पर भी देख सकते हैं, जिसके लिए आपको फेसबुक पर द डिवाइन टेल्स के पेज को लाइक और फॉलो करना होगा।